हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो बात करते हैं इरेडिएशन स्टरलाइजेशन की। जो इरेडिएशन स्टरलाइजेशन है, इसको एक कोल्ड टाइप का स्टरलाइजेशन मेथड बोला गया है। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई हीट अप्लाई हमें नहीं करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इरेडिएशन स्टरलाइजेशन के बारे में। और तो ट्रीटमेंट है किसी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन की तरह, सच एज जैसे एक्सरे का यूज़ करते हैं या कोई रेडियो एक्टिव सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर इसका हम मीन ले सकते हैं कि इसको ये भी बोला जाता है एक्सपोजर टू रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के एक्सपोजर में रख देना किसी चीज़ को। तो जो रेडिएशन है, एक फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बोला भी जाता है कि इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन का मीन है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई हीट अप्लाई नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमने ऑटोक्लेव के अंदर देखा था, ठीक है। और कोल्ड स्टरलाइजेशन हमने केमिकल मेथड को भी बोला है, बट इसके अंदर किसी तरीके का हमें कोई हीट अप्लाई नहीं करना पड़ता है। अब इसके अंदर अगर हम कोल्ड स्टरलाइजेशन को देखें तो प्रोड्यूस रिलेटिवली लिटल हीट, इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट सी हीट प्रोड्यूस होती है। एंड इसके अलावा सो दीज मेथड कैन बी यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑटोक्लेव था वो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा था। बट टाइप्स ऑफ रेडिएशन के अंदर अगर हम देखें, जो रेडिएशन है इसके भी दो टाइप देखे गए हैं बेस्ड ऑन वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एंड इनके पेनेट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग। अब जो इनको सेल्स हैं उनको पेनेट्रेट करने की एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग इनको दो जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया गया। जो दो कैटेगरीज आती हैं उनमें सबसे पहले आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकंड आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसके अंदर फर्स्ट बोली जाएगी गामा रेज, सेकंड एक्स रेज और थर्ड कैथोड रेज। इसके अलावा जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसको यूवी रेज के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इससे आगे हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है हमारी गामा रेज। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन की। आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है ये विद आयन्स प्रोड्यूस होती हैं, इनके अंदर किसी तरीके का कुछ ना कुछ आयन्स बनता है, इसीलिए इनको आयोनाइजेशन रेडिएशन बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज, इनके कारण कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज अनायन और कटायनिक टाइप का कुछ आयन होता है, इसीलिए इनको आयोनाइजेशन रेडिएशन बोला जाता है। जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या करती हैं, म्यूटेशन कोज कर देती हैं सेल के अंदर, उसके डीएनए को चेंज करने का काम करती हैं। इसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है जिससे इनका डीएनए और प्रोटीन रप्चर हो जाए, ठीक है। इन किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ का कोज क्यों बनती है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी सेल के अंदर डीएनए जब म्यूटेंट होगा उसके अंदर जो प्रोटीन होगा हाई जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उसके कारण जो डेथ हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि उनका डीएनए और प्रोटीन रप्चर हो जाता है। दीज रेज हाईली लीथल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है डीएनए एंड वाइटल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल, सेल के वाइटल कॉन्स्टिट्यूंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। दे हैव हाई पेनेट्रेशन पावर एंड एनर्जी, इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जिनके कारण इनकी जो पेनेट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है और किसी भी सेल को डैमेज करने की एबिलिटी रखती है। इसके अलावा जो फर्स्ट में आती है हमारी एक्स रेज, इनकी बात करते हैं। एक्स रेज एक रेडिएशन का टाइप है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एक्स रेडिएशन, फुल फॉर्म होगी इसकी एक्स रेडिएशन। और इनकी जो वेवलेंथ देखी जाए तो एक से, ठीक है, दस से, एक से दस तक या 0.1 से 10 तक की नैनोमीटर की जो इनकी वेवलेंथ है वो देखी जा सकती है। जो एक्स रे है इनका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, इन रेज के अंदर एक कॉन्सिडरेबल एनर्जी पेनेट्रेशन एबिलिटी होती है, मतलब पेनेट्रेट करने की पावर हम बोल सकते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल के ऊपर अपना लिथल इफेक्ट शो करती है। इसके अलावा जो एक्स रे है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट टू यूटिलाइज एफिशेंटली, एक्स रेज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है।
अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज को हैंडल कर रहा है तो चांसेस ये होता है कि वो भी उसकी अफेक्ट के अंदर आ जाता है। और हाईली एक्सरेज के पास रहना कैंसरस है, इसीलिए हॉस्पिटल्स के अंदर आप देख रहे हो एक्सरेज के जो रूम होते हैं उनके आसपास लिखा होता है सावधान एक्स किरणों से दूर रहे, ठीक है, प्रिकॉशन उनकी लिखी हुई होती है। अब जनरली इनका जो यूजेज हम देखें, इनके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। जनरली यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोब म्यूटेंट, म्यूटेंट बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर म्यूटेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, न्यू डीएनए फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब यूज टू एग्जामाइन मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ बॉडी, बॉडी के लिए एग्जामाइन, इंडस्ट्री के लिए यूज़, जो इंडस्ट्रियली यूज़ होता है ना हॉस्पिटल इंडस्ट्री में उसका यूज़, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बोले तो दीज आर यूज टू लुक एट द बोन्स एंड ज्वाइंट, बोन्स एंड ज्वाइंट को देखने के लिए, सिर्फ एग्जामाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एग्जामाइन करने के लिए, या फिर कई बार बोन फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उनके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, उसको देखने के लिए, क्योंकि जो एक्सरेज हैं हमारे टिश्यू से तो आर पार हो जाती हैं बट बोन से ही आर पार नहीं होती, इसलिए बोन के स्ट्रक्चर को शो कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी पोजीशन वगैरह को देखने के लिए, या वो ठीक ठाक है या नहीं इतना देखने के लिए इनका यूज़ होता है एक्सरेज का। जो एक्सरेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गामा रेज। जो गामा रेज हैं वो पेनेट्रेटिंग फॉर्म होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और अराइज होती हैं रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। जब किसी एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके होगा तभी ये अराइज होंगी, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज़ को कंसिस्ट करती हैं, बिल्कुल इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ अगर हम देखें तो एक्स रेज से भी कम होती है। जो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी पेनेट्रेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, मीन हम ये कह सकते हैं कि जो गामा रेज है एक्स रेज से ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। गामा रेज है एक्स रेज से ज़्यादा इफेक्टिव है। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज देखो 3 की पावर 19 हर्ट्ज तक होती है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं, रेडिएशन एनर्जी ऑफ गामा रेज मेक डायरेक्ट हिट ऑन असेंशियल सब्सटेंसेस एंड बैक्टीरियल सेल लाइक डीएनए, ठीक है, इनके ऊपर डायरेक्ट हिट करती है, इनके कॉन्फिग्रेशन को चेंज कर देती है या सेल को किल कर देती है। इसके अंदर अगर हमें किसी गामा रेज रेडिएशन सोर्स का यूज करना है तो सबसे बेस्ट सोर्स है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 गुड सोर्स फॉर गामा रे रेडिएशन। इनके कुछ यूजेस आते हैं, जैसे इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए, रेडियोग्राफी वगैरह के लिए, यूज़ टू ट्रीट कैंसर, इसका यूज़ कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। एक खास बात यह है कि इन रेज के कारण कैंसर फैलता भी है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इनके कारण कैंसर फैलता भी है। वो बोलते हैं ना हीरे को हीरा काटता है, वही तरीका है कैंसर को ट्रीट करने का। तो इट यूजेस बीम ऑफ गामा रेज टू ट्रीट इंजर्ड ब्रेन टिश्यू। जो इंजर्ड ब्रेन टिश्यू है उनके डीएनए को रप्चर करने के लिए, जो डेंजर सेल बन जाती है ना उनके डीएनए को खत्म करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। दीज आर यूज टू स्टरलाइज ह्यूमन टिश्यू ग्राफ्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू कुछ, और इसके अलावा जो प्लास्टिक सिरिंज होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इनके अलग अलग यूजेज हैं, जैसे कैबिनेट है, ऑपरेशन थिएटर है, इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए मोस्टली इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, जिसका नाम है कैथोड रेज। तो कैथोड रेज को नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन मतलब जो किसी इलेक्ट्रॉन की बीम को जनरेट करे, और इसके अंदर कैथोड एंड एनोड के बीच एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जाती है, जो जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई देती है, कलरफुल इलेक्ट्रॉन बीम। और जो कैथोड रेज होती हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर का भी यूज़ किया जाता है कैथोड रे को जनरेट करने के लिए,
एक नेगेटिव टाइप की रेडिएशन होती है, नेगेटिव चार्ज इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म इसका सेम रहेगा, जैसे गामा रे इसका हमने देखा कि डायरेक्ट हिट करती है बैक्टीरियल सेल या डीएनए के ऊपर और उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती है, या तो उसके अंदर म्यूटेशन होती है, सेल को पूरा का पूरा रप्चर कर देती है, डैमेज कर देती है पूरी सेल को। इसके अलावा इनके यूजेज़ देख लेते हैं। यूजेज़ में स्टरलाइजेशन, जैसे ड्रग का, सर्जरिकल एंड अदर मटेरियल जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दे आर यूज्ड इन ऑसिलोस्कोप विच आर यूज्ड इन फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब के अंदर जो ऑसिलोस्कोप यूज़ होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ होते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूज़ यहाँ पे होता है इसका इमेजिनेशन के लिए, जो इक्विपमेंट बनते हैं ना स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, उनकी इमेजिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उनको इमेज बनाना, उनकी इमेजिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आयोनाइजेशन रेडिएशन के बाद हमारा नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन आता है। जो नॉन आयोनाइजेशन टाइप का रेडिएशन है इसके अंदर वेरी लो एनर्जी होता है और किसी तरीके का कोई आयन हमें देखने को नहीं मिलता, बट एनर्जी इनके अंदर इतनी एनफ होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके, इतनी एनर्जी होती है। जैसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम बात करें, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं सन रेज जो डायरेक्टली आती है, ठीक है, जैसे हम खिड़कियां वगैरह खोल देते हैं सुबह, घर के अंदर सन रेज आने चाहिए, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, तो वो भी एनएफ है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। सो प्रिंसिपल इसका क्या रहता है कि सेलुलर डीएनए जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और प्यूरिन एंड पाइमरीडीन के थ्रू और बेसिस व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद यूवी लाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हीटिंग एंड किलिंग हो जाती है उनकी, ठीक है, हीटिंग एंड किलिंग ये चीज़ होती है। जो यूवी रेज होती हैं इनकी अगर वेवलेंथ की बात करें हम, तो इनकी वेवलेंथ देखने को हमें मिलती है 200 नैनोमीटर से 265 नैनोमीटर के बीच, 202-265 नैनोमीटर के बिटवीन में। तो यूजेज इसके आ जाएंगे, यूजेज जो यूवी रेडिएशन के एम्प्लॉयड इन रिडक्शन ऑफ एयर बोर्न कंटामिनेशन फॉर स्टरलाइजेशन पर्पज, स्टरलाइजेशन पर्पज के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है इस सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए काफ़ी रहती है। जो सरफेस टाइप का स्टरलाइजेशन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके लिए जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है हीट की या रेडिएशन की काफ़ी रहेगी, ठीक है। ये रेडिएशन ऑल्सो यूज़ होती है हमारी बॉडी के लिए टू स्टिमुलेट विटामिन डी। अगर हम धूप के अंदर जाएंगे तो विटामिन डी तभी हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करेगा, तो ये रेडिएशन काफ़ी रहती है। यूज़ इन हॉस्पिटल फूड एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री फूड वगैरह को स्टरलाइजेशन करने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के जो चैम्बर होते हैं या ऑपरेशन थिएटर है उनको एसेप्टिक कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज़ फॉर स्टरलाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल फ्लूड लाइक ब्लड एंड प्लाज्मा को स्टरलाइजेशन करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन देखें जो रेडिएशन है, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, जो रेडिएशन है इनकी जो एप्लीकेशन होगी, जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, इफेक्टिवली रिड्यूस एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनको ये रिड्यूस कर सकती है। इट लीव नो केमिकल रेजिड्यू, इसके अंदर किसी तरीके का कोई केमिकल रेजिड्यू नहीं बचता है। टेक लेस टाइम फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन करने के लिए इसको बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। ऑल्सो यूज फॉर थर्मल लेबाइल मीडिया बिकॉज इट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ मीडिया, इसके अंदर नो डिग्रेडेशन, ठीक, इट कॉज नो डिग्रेडेशन ऑफ मीडिया। थर्मल लेबाइल ऐसे मीडिया जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनको फिर इरेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे मीडिया का इस कोल्ड स्टरलाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे मीडिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको कोल्ड टाइप की स्टरलाइजेशन दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होंगी, ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि ये पूरे के पूरे जो सरफेस सेल है उनको किल नहीं कर सकता। हो सकता है कि वहाँ पे कोई सेल बच गई हो या पूरी की पूरी हीट जो है उन सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए
काफ़ी ना हो, ये पूरी तरीके से 100% इस सरफेस स्टरलाइजेशन नहीं कर सकता। तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल, कोज पीपल सेल डैमेज एंड म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति एक्सरेज करता है उसको एक्सरेज में रहना पड़ता है, तो उसके लिए ये हार्मफुल हो सकती है, उसकी सेल के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, उसकी बॉडी सेल के अंदर भी म्यूटेशन हो सकती है, या उसकी सेल्स रप्चर हो सकती हैं, डेड हो सकती हैं। इसके अलावा मोर कॉस्टली मेथड फॉर देन हीट स्टरलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा मोर कॉस्टली मेथड है, हीट स्टरलाइजेशन से भी ज़्यादा कॉस्टली है। एंड इट रिक्वायर हाई स्पेशलाइज इक्विपमेंट, इसको करने के लिए जो हाई स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं या स्पेशल होते हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ इरेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड। ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड का। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।